मुझे आज के इस मजमे को देखकर ये खुशी हो रही है कि इसमें मदारिस के ताल्लुक से और उलमाए किराम के ताल्लुक से एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हमारे मदारिस में जो दीन और अदब की खिदमत हुई है उसे पूरी तरह से आप तक समझा नहीं गया। हमारे चले गए दोस्त बहुत अजीज़ डॉक्टर उमर मंजर साहब, उनसे भी कहना चाहता था, अपनी यूनिवर्सिटी में भी ये बात कह चुका हूँ कि मदारिस के ताल्लुक से और मदारिस के ज़िम्मेदारान के ताल्लुक से शेर व अदब की जो खिदमत सदियों से होती रही है उसका कोई तज़िया कोई महकमा अब तक पेश नहीं किया जा सका है। और ये समझा गया कि मदारिस में सिर्फ काल अल्लाह और काल रसूल की बात की जाती है। और मैं तो यहाँ तक आगे बढ़कर कहता हूँ कि अगर कोई अदबी तहरीर भी और अदबी तज़िया भी और अदबी महकमा भी अगर काल अल्लाह और काल रसूल से खाली है तो उसे एतबार नहीं हासिल हो सकता है। अख्तरुल ईमान जैसे शायर ने यह बात कही, उनका कोई दीन और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी मुलाकात थी उनसे। अख्तरुल ईमान ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि बेदीन आदमी अच्छा शायर नहीं हो सकता है। पता नहीं खुद अच्छे शायर कैसे हो गए, बहुत अच्छे शायर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बेदीनों की एक फहरिस्त है, लेकिन ज़बान व बयान के एतबार से सरदार जाफरी से मैंने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है, तो कहने के अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा हूँ मैं। तो मैंने कहा आपका अल्हम्दुलिल्लाह से क्या ताल्लुक, कहने की ये तो ज़बान है भाई, ये ज़बान है। मालिक राम से मैंने कहा रविंद्रालय में मुशायरे में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में रिक्शे से हम लोग कुछ पहले पहुँच गए, मेरी आदत ख़राब है उसकी सज़ा मिलती है हमेशा, आज भी सज़ा मिली पहले आने की, वक्त से आने की सज़ा आज भी मिली, हम लोग वहाँ भी वक्त से पहुँच गए। तो मालिक राम ने कहा कि लाहौल वाला कुवत हम लोग यहाँ बहुत पहले आ गए लालबर। तो मैंने कहा आपका लाहौल वाला कुवत से क्या ताल्लुक, कहने की ये तो ज़बान है भाई, ये ज़बान है। कैफी आदमी से मैंने कहा कि आपने आवारा सज्दे नज़्म क्यों लिखी और आपने उसका उनवान आवारा सज्दे क्यों रखा, क्या आपकी शायरी इतनी मोहताज है कि आप अपने लिए कोई अपने मिजाज के मुताबिक उनवान नहीं रख सकते। एक लंबी गुफ्तगु है, हम बेतकल्लुफ़ थे कैफी साहब से। उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना ये बताइए कि चाय आप यहाँ पियेंगे या गुलमर्ग में पियेंगे। मैंने कहा यहाँ भी पी सकता हूँ वहाँ भी पी सकता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस पर कायम रहूँगा, यहाँ भी और वहाँ भी। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे मदारिस में और हमारे उलमाए कराम ने जो दीन व अदब की खिदमत अंजाम दी है वो नाकाबिले फरामोश है। और वो इतनी बड़ी हकीकत है, इतनी बड़ी हकीकत है जिसको नज़रअंदाज करने का नतीजा ये है कि आज तक शेर व अदब की तारीख बैलेंस नहीं हो सकी है, इत्तेदाल नहीं है उसमें। और एक दो खाने बना दिए गए कि शेर व अदब के हवाले से उलमाए कराम, अरे ठीक है मौल साहब अच्छा शेर कहते हैं लेकिन ज़बान व अदब के हवाले से कौन सी तारीख मुरतब की जा सकती है। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स भी बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटियों के फारिगीन भी बैठे हुए हैं, दानिश्वराने गिरामी भी तशरीफ़ फरमा है। कौन सी तारीख ऐसी मुरतब की जा सकती है जिसमें मौलाना हसरत मुहानी, निकाल सकते हैं मौलाना का लफ्ज़, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दीनी जहन व फिक्र के जो आदमी थे। मैंने अक्सर मौलाना अली मियां के सामने एक मरतबा ये अर्ज़ किया, जुरत और जसारत करके, मौलाना की मोहब्बत मुझे इजाज़त देती थी बात कहने की, इकबाल और अबुल कलाम
एक दिन के लिए भी किसी मदरसे में नहीं बैठे, लेकिन मदरसा उनके कल्ब और नज़र में बैठा हुआ था। इकबाल ने जो लिखा है, मेरी किताब में मौजूद है उनका हवाला, इकबाल ने जो लिखा है जब वो बगदाद और अलहमरा को देख के लौटे थे, जो कुछ लिखा है उन्होंने मदारिस के ताल्लुक से, मदारिस में जो खिदमत का सिलसिला रहा है अदब के एतबार से, चाहे देवबंद हो, ज़बान की जिस तरह की नफासत आई है वो हमारी असरी तालीम गाहों के इदारों में और दानिश गाहों में बाद जगह वो बात नज़र नहीं आती है, लेकिन जो मदारिस से निकल के आए हैं, जिनकी ज़बान सुलझी हुई होती है, सुथरी हुई होती है, नफासत से होती है, जो ज़बान के रमूज और नकात से पूरी तरह वाकिफ होते हैं, उनके सरफ और नहों में वो बात पढ़ा दी जाती है कि वो ज़बान से अलग नहीं हो सकते, लेकिन उसे दूसरे खाने में रखा गया। हमारे मदारिस में जो जहन साजी होती है, जो फिक्र साजी होती है, ज़बान व अदब की जो आबियारी होती है, वो रफ्ता रफ्ता सदियों के सफ़र करने के बाद द मुफक्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन रिंदवी तक वो तारीख पहुंची है, तो तारीख हमेशा इस बात की गवाही देगी कि मौलाना ने जहन व फिक्र के एतबार से, दीनी मिजाज के एतबार से ज़बान व अदब को जो मेराज कमाल हासिल किया था और अवता किया था मेराज कमाल, वो सदियों पर भारी है, सदियों पर भारी है। और उसी फिक्र के नतीजे में, उसी फिक्र के नतीजे में कलीम आज इसका वजूद है, उसी फिक्र के नतीजे में। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वो फिक्र न हासिल होती कलीम आजिज को, और उस फिक्र के दायरे में और हिसार में उन्होंने अपने आप को डर रखा होता, तो बात वही है एक गज़ल की, मैं लिखूं या मीर लिखे, एक गज़ल को शायर की हैसियत से मशहूर हो गए होते, लेकिन जो हरारत है उनके अंदर, जो तमाजत है उनके अंदर, और जिसने उनकी शायरी को नज़ाकत से निकाल कर आसमान सहाफ़त पर पहुँचाया है और आसमान अजमत पर पहुँचाया है, वो उनकी उस दीनी फिक्र का नतीजा है। मैं बहुत इत्मीनान से ये बात कह रहा हूँ और बिला खौफ तर्दीद दर्ज कर रहा हूँ। दानिशवरान गिरामी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि किसी रिसर्च स्कॉलर को तैयार कीजिए जो मदारिस की खिदमत पर काम करे, मदारिस की खिदमत। मैं तो यहाँ तक अर्ज करता हूँ कि अगर उर्दू नसर के सिलसिले में, उर्दू नसर के सिलसिले में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो ज़बान व बयान की हमवारी है। और फिर हमारे गुलशन नदवा ने जो आबियारी की और जहाँ तक शेर व अदब को पहुँचाया, हमारे गुलशन नदवा में जिस तरह आबियारी हुई है वो तारीख का एक रोशन बाब है। और ख़ासतौर पर मौलाना अली मियां ने अपने ज़बान व कलम से शेर व अदब को जिस मेराज तक पहुँचाया, वो हमारे तलबा के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। मैं अक्सर कह देता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, कि मौलाना अली मियां की तहरीरों को सबकन सबकन पढ़ने की कोशिश कीजिए। मौलाना वो मकामात आए हैं शेर व अदब के हवाले से जिसमें मौलाना का कलम पूरी जोलानी के साथ गामजन है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। रवाया अकबाल आपके निसाब में नहीं है, लेकिन रवाया अकबाल को समझने और परखने की कोशिश कीजिए। इकबाल से तो बहुत लोग मिल के आए हैं, मौलाना भी मिल के आए थे, लेकिन मौलाना की पूरी ज़िंदगी में अकबालियात का शुमार जो रहा है वो नज़रअंदाज करने के ताल्लुक से नहीं, मौलाना अली मियां के ताल्लुक से। कलीम आजिज़ का एक शेर मुझे हमेशा याद रहेगा, इसलिए कि उसके साथ एक बड़ा वाकया वाबस्ता है। जिस दिन कारी मुश्ताक साहब के मदरसे का इफ्तिताह था, अब तो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं आप जाके वहाँ की किस ज़मीन पर उसका इफ्तिताह हुआ था, कैसी नाहमवार ज़मीन थी और कैसे कारी साहब ने वहाँ जगह बनाई गई थी जिसमें मौलाना भी तशरीफ़ फरमा था। मैं उस वाक़े को तो यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उसी दिन इत्तेफाक़ से कौमी आवाज़ में मेरा एक मज़मून छपा था, दूसरे मौजू पर था, और आखिर में एक शेर कहा था, लिखा था मैंने ये कहकर
गुजारिश ये है कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। ये सुबह के अखबार में ये बात छपी थी, ये शेर भी था। जब कारी मुश्ताक साहब के मदरसे के इफ्तिताह के वक्त मौलाना तशरीफ़ फरमा थे ऊपर डाइस पर, मुझे देखा मौलाना ने तो हाथ के इशारे से बुलाया, मैं हाजिर हुआ तो मौलाना ने फरमाया बात चाहे बेसलीका हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। और फिर शाम को नदवे की मजलिस में असर के बाद जब मौलाना तशरीफ़ फरमा थे मैं हाजिर हुआ, मौलाना ने फिर मुझे उंगली के इशारे से बुलाया और मैं करीब गया तो मौलाना ने फरमाया कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका। नहीं भूल सकता हूँ मैं इस वाक़े को, इसलिए कि मौलाना की शख्सियत और मोहब्बत भी वाबस्ता है और कलीम आजीज के शेर की अजमत भी वाबस्ता है इसके साथ। हालात बदलते रहते हैं, नशेब व फराज का आलम है, सियासी शिकस्त और रेख्त का उन्वान है, मौजू है। मौलाना मेरी मजबूरी यह है कि कहीं कोई महफिल हो मैं कहीं न कहीं से मौलाना के ज़िक्र को तलाश कर लेता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं उसकी माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे अगर बार बार मौलाना का नाम और मौलाना की शख्सियत मेरे ज़बान पे आ रही है, तो ये मेरी मजबूरी है और गैर मुतालिक तौर पर नहीं आ रही है, इसलिए कि मेरा मसला ये है कि जब नाम तेरा लीजिए तब चश्म भर आवे, ये ज़िंदगी करने को कहाँ से जिगर आवे। मौलाना का ज़िक्र मेरी मजबूरी है, लेकिन मौलाना का ज़िक्र ऐसा है कि उनके ज़िक्र के बग़ैर कोई महफिल मुकम्मल नहीं हो सकती है, चाहे तारीख़ी हो, सियासी हो, समाजी हो, इल्मी हो, अदबी हो, कोई तकरीब ऐसी हो, हर मैदान पर मौलाना की शख्सियत की छाप है, मौलाना के कलम की जलवा फैशानी है हर जगह। मौलाना ने राबते अदब इस्लामी के ताल्लुक से जो शमा रोशन की, अरबों को ख्याल नहीं आया था। अरबों के सामने सबसे पहले तारुफ मौलाना ने इकबाल का कराया और जिस महफिल में मौलाना ने वो मकाला अपना अरबी में पढ़ा था और मौलाना ने इकबाल के अशार का अरबी में तर्जुमा करके जब अरबों को सुनाते थे तो मौलाना फरमाते थे कि बाज़ अरब उठ के खड़े हो जाते थे कि ये तो हमारा सरमाया है, ये हमारा सरमाया है। उसी सरमाए के अमीन और उसी सरमाए के मुहाफिज कलीम आजिज भी थे, मुख्तसरन ये बात कही जा सकती है। कलीम आजिज किस दौर से गुज़रे, किन हालात से गुज़रे, एक तफसीली वाक़या है जो यहाँ बयान भी किया गया है। लेकिन एक बात जो कलीम आजिज के सिलसिले में कही जा सकती है, जो इकबाल से शुरू हुई थी, इकबाल से फिक्र शुरू हुई जो कलीम आजिज तक पहुँची और हमारे बेशतर शोराए कराम अपने अपने अंदाज से वो बात कहते रहे हैं, इकबाल के यहाँ मायूसी नहीं थी। जो हमारे मौलाना अली मियां की तहरीरों में आप कहीं कहीं देख लीजिए, पूरे आलम इस्लाम को मौलाना ने देखा, यूरोप और अमेरिका को देखा और गौर से देखा और हालात से मुतासिर भी हुए मौलाना, लेकिन एक लफ्ज कहीं नहीं दिखाया जा सकता है। महमूद साहब बैठे हुए हैं, मैं बहुत जुर्रत और जसारत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, एक लफ्ज नहीं दिखाया जा सकता है जिसमें मौलाना ने कहीं मायूसी का इजहार किया हो। हालात की सितम दरीफी के बावजूद, सारी सितम दरीफी के बावजूद, कलीम आजिज की शायरी का सबसे बड़ा कमाल यह है कि उस शख्स के यहाँ मायूसी का कोई उंसर नहीं है, सबसे बड़ा कमाल यह है। और इसी कमाल ने उनकी गज़ल को मेयार अता किया है। गज़लें तो कही जाती रही हैं, कही जाती रहेंगी, लेकिन कलीम आजिज ने अपनी शायरी को और ख़ास तौर पर अपनी गज़ल गोई को जिस तरह महफूज रखा है कि वो तरक्की पसंद तहरीक की तरह
नारा और प्रोपेगेंडा ना बन सके, एक इल्ज़ाम ये भी था। इसी बुनियाद पर तो प्रेमचंद को कहना पड़ा था कि हमें हुस्न का मैार बदलना पड़ेगा। तो मजाज में उसके बाद जो शेर कही कहा उन्होंने, जो नज्म कही उसमें उनका ये शेर मशहूर हुआ। हालांकि ये हुस्न को बदलने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़रा सा एक तरह के इल्मी और अदबी और बगावत करके जो मजाज ने बात कही थी अपने मिजाज के बिल्कुल खिलाफ, कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ये एक अपने मिजाज के खिलाफ बात कही थी मजाज ने, वो तफसील का वक्त नहीं है। कली माजिस के एक शेर पर बात ख़त्म करता हूँ, जो दौरे जदीद का आलमिया भी है, उसमें गज़ल के हुस्न की रानाई भी है, अफकार की जलवा नुमाई भी है, हालात के सदनजरीफी का इजहार भी है और अपना मेयार भी है। और महसूस ये होता है कि ये दौरे जदीद के लिए एक पैगाम भी है। कैसे इत्मीनान से बात कही कली माजिज ने, जो उनका मिजाज था। जाते जाते ये भी कह गए थे, उनका गरेबान हमेशा खुला रहता था, शेरवानी भी खुली रहती थी, गरेबान भी, चाक गरेबानी, लेकिन वो चाक गरेबानी उन्हें अजीज़ भी थी। कहा भी उन्होंने जाते जाते कि ऐसा कोई चाक गरेबान आएगा, ऐसा कोई चाक गरेबान आएगा, कहा उन्होंने। लेकिन उस शख्स का कमाल यह है, उनकी शायरी को मैं अपने अजीज़ तलबाए अजीज़ से ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ, शेर को शेर के हुस्न के एतबार से पढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। बहुत माफ़ी चाहता हूँ, डॉक्टर शाहनवाज साहब तशरीफ़ फरमा है, बहुत माफ़ी चाहता हूँ ये जुमला कहते हुए। शेर में शेर का हुस्न तलाश करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना इकबाल को भी नहीं समझ पाएंगे आप। शेर की तह में शायर का दिल धड़कता होता है, उस दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए तो आपको इकबाल भी मज़ा देंगे और कली माजिद भी मज़ा देंगे आपको। वरना इकबाल की मंजिल से भी आप गुजर जाएंगे और कली माजिद की मंजिल से भी गुजर जाएंगे, और कली माजिद की गज़लों को तरन्नुम से आप सुनाते रह जाएंगे। उसकी मानवियत को, उसकी मारिफत को, उसकी हकीकत को, उसकी अजमत को, उसकी अदबी शान को समझने की कोशिश इस तरह से कीजिए जिस दिल से कली माजिद ने शेर कहा है, और जहाँ से शेर कहा है उस बुलंदी तक अपने को ले जाने की कोशिश कीजिए जहाँ से शायर का शेर वजूद में आता है। पहले उसके जहन को समझने की कोशिश कीजिए, शेर तो बाद में समझ में आएगा। उसकी जहनी फिक्र को, उसकी दीनी फिक्र को, उसकी इल्मी फिक्र को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसके शेर को जब उसके मुआजने पर आप रखेंगे तो अंदाज़ा ये होगा कि उस शख्स की शायरी और शख्सियत दोनों किसी मकाम पर आकर एक हो गई। अगर कली माजिद का शेर है कि अगर जारी रहा यूं ही ये अंदाजे सितमगारी, दौरे जदीद का शेर है, अगर जारी रहा यूं ही ये अंदाजे सितमगारी, तुम्हें रुसवा सरे बाजार होगे हम नहीं होंगे, तुम्हें रुसवा सरे बाजार होगे, किसी का नाम नहीं लिया गया है। अपने आप से भी बात कही गई है, दूसरों से भी बात कही गई है, पूरी दुनिया से बात कही गई है, आलम इंसानियत से बात कही गई है। जिस आलम इंसानियत को मौलाना बेचैनी के आलम में मौलाना अली ने पुकारा करते थे और सारी दुनिया में पुकारा उन्होंने आलम इंसानियत को, उसी आलम इंसानियत से मुखातिब होकर कली माजिद ने यह बात कही कि अगर जारी रहा यूं ही ये अंदाजे सितमगारी, तुम्हें रुसवा सरे बाजार होगे हम नहीं होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज के इस जलसे के मुंतजमीन का कि कली माजिद के ताल्लुक़ से उन्होंने जिस नशिस्त का इनेकाद किया है उस ताल्लुक़ से बहुत सी दूसरी बातों का इजहार हुआ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज शेर और अदब पर जो गुफ्तगू हमारे उलमाए किराम ने की है
उसने इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है कि हमारे मदारिस का जो ताल्लुक़ रहा है ज़बान व अदब से, शेर व अदब से, उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।